हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम सबको जानना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम के लिए जैसे हो या फिर एक सेंसिटिव सिटीजन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 है क्या। कई बार ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है, मतलब शून्य कर दिया। तो ये जानेंगे कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा है क्या। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इस आर्टिकल में है क्या। और एक बात और, ये आर्टिकल 13 है और इसी तरह एक आर्टिकल पे मूवी आई थी जिसका नाम है आर्टिकल 15। तो उसे भी जानेंगे कि अगर उस मूवी में ऐसा क्या था जो डायरेक्टर के दिमाग में आया कि चलो इसको लोगों के सामने लाया जाए। तो ये आर्टिकल 13 भी है जो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से आर्टिकल 15 को आपने उस मूवी के जरिए शायद समझ पाया हो। अगर ना समझ पाए हों तो मैं समझाऊंगा, गारंटी है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड व्हाट यू टुडे। सो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 13 कहता क्या है। आर्टिकल 13, इट डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। इट मींस ये कहना ये चाहता है कि कोई भी ऐसे कानून हो जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या फिर उसके असंगत हो, उसके सिमिलर ना हो, उसके सेम स्ट्राटा पे ना हो, उसके लेवल पे नहीं हो, या फिर उसको कम करता हो। डेरोगेशन का मतलब होता है कम करना, ठीक है, सप्रेस करना। ये इस तरह की होती है इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। हालांकि ये तो खैर आप, मैं बता रहा हूँ तो हिंदी आप समझें और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसे नल एंड वॉइड कर देते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये जो सारी मैंने बातें कही कि इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन, इट्स काइंड ऑफ, तो ये इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ये आर्टिकल और ऐसे तरह के जो लॉज बनेंगे जो फंडामेंटल राइट के असंगत होंगे या फिर उसको कम करने का वो कानून प्रयास करेगा, तो इस तरीके से इसके लिए ये जो आर्टिकल होगा वो जुडिशियल रिव्यू के योग होगा। वो कानून जो होगा वो जुडिशियल रिव्यू के योग होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, फिर किसी को लगा, मेरे को लग सकता है, आपको लग सकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आप पिटीशन डालोगे, पीआईएल डाल सकते हैं इस तरह करके, तो कि ये जो कानून है हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रेंच कर रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, या फिर हमारे ऊपर अंकुश लग रहा है। ये सही टर्म है कि अंकुश मतलब आपको लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे लिमिट कहने का मतलब ये कैसे, अभी लॉकडाउन है तो आपको कहा गया कि आप घर में रहें, आप कहेंगे यार मेरे तो फंडामेंटल राइट्स हैं इतने, मैं घर में कैसे रह सकता हूँ। कोई नहीं, आपको रहना पड़ेगा क्योंकि स्थिति ऐसी ही है, ये हमारी भलाई के लिए। खैर ये सब अपार्ट फ्रॉम इट, तो ये है जुडिशियल रिव्यू के। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसकी जाँच करेगा, वो देखेगा कि क्या ये जो कानून है वाकई में फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, या फिर उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, या फिर उसको सीमित करने का प्रयास कर रहा है। तो उस अगर इस तरह का पाया जाता है तो वो उस कानून को वॉइड कर देगा, यानी कि शून्य कर देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो हो जाएगा जीरो। ओके, अब ये जो दो पावर है, ये अब ऐसा है कि आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि जुडिशियल रिव्यू का पावर क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या, तो इसका जवाब होगा नो। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार आर्टिकल 32 देता है। 32 अपने मैंने बताया था फंडामेंटल राइट में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का प्रोविजन है आर्टिकल 32 में कि यदि कभी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप इस आर्टिकल के अंतर्गत या फिर मदद से आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आप याचिका डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय मेरे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप इस पे एक्शन लें, आप इसकी जांच करें। तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, उसका अगर वो पाया गया कि वाकई में हो रहा है तो उसके खिलाफ रिट्स जारी किए जाएंगे एंड उसको ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 226 ये हाईकोर्ट को ये अधिकार देता है। तो यहाँ पे तीन सवाल हुए वन लाइनर टाइप के। पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू करेगा, तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226।
अब यही दोनों आर्टिकल जो है ये इन दोनों को रिट भी जारी करने का अधिकार देता है। मैंने रिट अलग से पढ़ाया, उसकी एक अलग से वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा इसे एलेबोरेट किया तो पता चला ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पाया जाएगा तो इसके तहत वो जो होगा सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। दिस पावर हैज़ बिन कन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा उसके अंतर्गत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा, मतलब असंवैधानिक, संविधान के हिसाब से बना लेकिन वो संविधान के जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर वो चीज़ें जाएंगी तो वो इनवैलिड ही होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 13 में हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आर्टिकल 13 क्या करता है, ये जो लॉ बनते हैं चाहे कोई भी लॉ बनाए पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई ऐसा लॉ नहीं, ऐसा तो लॉ नहीं है जो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो, उसको सीमित कर रहा हो, उसके अगेंस्ट हो या फिर उसको कम कर रहा हो हमारे फंडामेंटल राइट को। तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस दोनों रिस्पेक्टिव आर्टिकल अपने अपने आर्टिकल के अंतर जो जिसके जरिए उनको अधिकार दिया गया है, वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड कर सकते हैं, ओके। अब इसमें मैंने आपने देखा कि वहाँ पे लॉ दो तीन बार टर्म है, तो लॉ एक्चुअली इस लॉ में कौन कौन से लॉ हैं, लॉ तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कौन ऐसे लॉ हैं जिनके ग्राउंड पे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा और जुडिशियल रिव्यू होगा, जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा और या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन कह देंगे। तो एक है परमानेंट लॉज, परमानेंट लॉज वो हैं जो लॉ अस्थाई हैं। अगर कभी लगेगा कि यार ये अस्थाई तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को यह हर्ट कर रहा है, तो वो होते हैं इसमें। अब ये परमानेंट लॉ कौन बनाते हैं, लॉ कहाँ मिलेगा ये आपको, तो ये आपको मिलेगा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ जो लॉ हो वो होगा, या फिर राज्य की जो विधानसभा विधानमंडल होते हैं उनके द्वारा बनाया गया लॉ। दूसरा है टेम्पररी लॉज, टेम्पररी लॉज में आते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति जारी करता है, जारी करते हैं और राज्यपाल जारी करते हैं, उन दोनों के पास ये अधिकार है। तो आपके लिए एक वर्क ये है, होमवर्क ये है कि आप ये बताएं कि कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से कहना है मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो ये कौन कौन से आर्टिकल हैं जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है और कौन से आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का मतलब पावर देता है, ठीक है। तो उस आर्टिकल का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, दोनों में राष्ट्रपति उसके सामने लिखें आर्टिकल जो भी हो, ठीक है। तीसरा है स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट ये होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं ये एक तरह से स्पॉन्सर टाइप का होता है। तो इसमें है जैसे नोटिफिकेशन के जरिए कोई लॉ आ गया, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मतलब कार्यपालिका विधान की तरफ से कोई लॉ इस तरह का आया, तो वो जो होते हैं इसमें अध्यादेश भी आते हैं, कोई ऑर्डर आ गया इस तरह का, कोई रूल निकाल दिया, जैसे कि अभी मैं अभी करंट एग्जांपल आप ले लो, लॉकडाउन में जो अभी गाइडलाइंस आ रही हैं ये तो हैं तो एक तरह से भी लॉज ही हैं सिंपली, तो ये स्टेट्यूटरी टाइप के हैं। टेम्पररी भी हैं, टेम्पररी में हालांकि ऑर्डिनेंस ही आते हैं लेकिन इसमें भी आएगा, तो टेम्पररी ये जो गाइडलाइंस आते हैं बाहर नहीं जाना इतने बजे इतने बजे, तो ये एक लॉ है, ये स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है। आई होप ये एग्जाम्पल बेहतर है आपके लिए और ये रेलेवेंट है, करंट है तो समझ में आएगा। तीसरा नेक्स्ट है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉज, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉज ये होता है यानी गैर विधायी स्रोत, मतलब जो ना पार्लियामेंट में बनाए नहीं, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इस तरह के जो लॉ होते हैं तो इसमें आते हैं वो कुछ कन्वेंशनल लॉज होते हैं वो आते हैं, कोई प्रथा चला आ रहा हो हमारे संसद में वो सारे, तो वो सारे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे आपको कि कौन कौन से जो कानून है हमारे संविधान में वो कन्वेंशनल हैं, परंपरागत हैं, रूढ़िगत हैं, जो प्रथा चली आ रही है तो वो हैं। तो वहाँ पे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। हालांकि अभी के लिए आप ये चार याद रखें कि लॉ में, अब आपसे अगर UPSC या BPSC इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉज टर्म है, लॉज टर्म इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग,
तो कौन से इंक्लूड करते हैं, तो ये परमानेंट, टेम्पोररी, स्टेटूटरी, तो ये सारी चीज़ें तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ज्ञान। हैव अ गुड डे।